मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की पसवाड़ा पेपर मिल में मंगलवार को हुई सुपरवाइजर की मौत के बाद बुधवार को परिजनों ने पेपर मिल के बाहर हंगामा कर दिया। भाजपा नेताओं के साथ पेपर मिल के गेट पर धरना देते हुए मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की। भोला रोड मुल्तान नगर गली नंबर 11 निवासी 50 वर्षीय सुरेश उपाध्याय प्रतापपुर स्थित पसवाड़ा पेपर मिल में सुपरवाइजर थे। मंगलवार को ड्यूटी के दौरान मिल में पेपर रोल गिरने से चपेट में आकर सुरेश की मौत हो गई थी। घटना को लेकर बुधवार को मृतक के भाई मुकेश और ग्रामीणों ने भाजपा पिछड़ा वर्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महामंत्री मुनीश योगी के साथ पेपर मिल के गेट पे धरना दे दिया। परिजनों ने मिल के मालिकों की लापरवाही को सुरेश की मौत का जिम्मेदार बताते हुए उसके परिवार को 40 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पेपर मिल में अब तक एक दर्जन से अधिक हादसे हो चुके हैं, मगर प्रभावशाली मिल मालिक हर हादसे को दबा देते हैं। मामला है छोटा भाई, इसमें जो नौकरी कर रहा हूँ सुपरवाइजर के पद पर, इसमें कार्यरत था 4-5 साल से। उसका कल जो है यहाँ तेजी एक्सीडेंट हुआ है अंदर गाड़ी, उनकी मालिकों की लापरवाही से, उनकी जो है लापरवाही, एक ही जो है फैक्ट्री माल लगा हुआ था, जो वाहन लगा हुआ था वो बंडल उसके ऊपर पुरानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, यहाँ पर किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, ये हमारी योगी जी का नारा भी है, सबका सबका साथ सबका विकास। और एक साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका विश्वास भी, तीन चीज बोल दी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा आदमी मरा है उसका सही तरीके से निर्णय भी होगा, और नहीं होगा तो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां भी हम इस बात को लगाएंगे कहेंगे, और जहां भी हम जा सकते हैं इसके खिलाफ।